वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं प्रनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वास्तव में ये जो पूर्णिमा का आज का आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल हनुमत जयंती है और ये कार्यक्रम जो है पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कल होना था, किंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इसको हमें एक दिन पीछे लाना पड़ा और इस कारण अनेक लोगों को समस्या हुई होगी, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह करवाने पड़ते हैं, यात्रा की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो असुविधा थोड़ी बहुत हुई होगी। तथापि कारण अपरिहार्य होने के कारण हमको स्थिति में परिवर्तन करना पड़ा है और चूंकि ये कार्यक्रम इस शुभकृत नाम संवत्सर में हमारा ये पहला कार्यक्रम है और इसलिए मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। यदि आप लोगों को स्मरण हो तो पिछली पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, हमने कौन से विषय पे बात की थी, किसी को याद है? यही समस्या है। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमने इस बात पर विचार किया था कि हमारी प्रार्थना सफल क्यों नहीं होती। देखिए, मनुष्य दो प्रकार की प्रार्थनाएं करता है। एक को कहते हैं सकाम प्रार्थना, दूसरी को कहते हैं निष्काम प्रार्थना। निष्काम प्रार्थना में सफलता असफलता का कोई प्रश्न नहीं है, किंतु सकाम प्रार्थना में, सकाम उपासना में सफलता और असफलता का प्रश्न है। और सफलता की प्राप्ति के लिए ही, अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही हम जो हैं वो सकाम उपासना या सकाम प्रार्थना करते हैं। किंतु प्रायः ये देखा जाता है कि कुछ लोगों की प्रार्थनाएं सफल हो जाती हैं, कुछ लोगों की प्रार्थनाएं सफल नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, इस विषय में हमने विस्तार पूर्वक गत पूर्णिमा को विचार किया था। उसके अंतर्गत मोटी मोटी बातें क्या थी, तो पहली बात यह थी कि कोई भी कार्य जो है वो मनुष्य प्रयत्न के बिना सफल नहीं हो सकता। केवल ईश कृपा, केवल भगवत कृपा से अगर कोई कार्य सफल होना था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान जो है अर्जुन के सिर के ऊपर हाथ रख देते, बोले जा, तुझे ज्ञान हो गया और तू शुरू हो जा। अथवा भगवान स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी माया शक्ति से कौरव सेना का संहार कर सकते थे और अर्जुन से कह सकते थे युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करो, अब ये कौरव समाप्त हो गए। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यद्यपि वो कर सकते थे, सर्वशक्तिमान थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्जुन को, युधिष्ठिर को, पांडवों को अपना प्रयास, अपना प्रयत्न जो है वो करना पड़ा। इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय में कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो इसलिए जो है पहली बात क्या है कि किसी भी कार्य की सफलता में पहला काम क्या, तो मनुष्य प्रयत्न होना चाहिए। दूसरा घटक उसका क्या है, तो भगवत कृपा होनी चाहिए। तीसरा घटक क्या मैंने बताया था कि प्रारब्ध भी बलवत्तर होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के होते हुए, तीन चीजें अगर जम के आ गई तो फिर जो है हमारी प्रार्थना सफल होती है। अब हमारे सामने एक और प्रश्न उठता है कि अगर हमारी प्रार्थना सफल न हो तो हम क्या करें।
प्रश्न ऐसा है कि हमने बहुत उपासना की, बहुत प्रार्थना की, बहुत जप किया, अनेक पारायण किए, सब कुछ किया, और ये करने के बाद भी अगर हमारी प्रार्थना सफल नहीं होती तो फिर हम क्या करें, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है हम सबके मन में कभी न कभी क्यों अक्सर प्रायः हमारे मन में ये आता है कि अगर हमारी प्रार्थना सफल नहीं हुई, अगर प्रभु महाराज ने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर हम क्या करें, ऐसा प्रश्न उठता है। तो ऐसा है, ये सारे प्रश्न सकाम जो उपासना है उसके संदर्भ में उठते हैं। ऐसा है कि हमारे मन में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि भगवान जो हैं हमारी उन सारी कामनाओं को पूर्ण करें। करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारी कामना है क्या, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, घर हो जाए हमारा, एक गाड़ी हो, और सारे सुख सुविधाएं जितनी भी हैं वो सब हमको प्राप्त हों, ऐसी कामना हमारे मन में होती है, ठीक है। और प्रभु का ब्रीद क्या है, प्रभु क्या है, तो प्रभु जो है वो भक्त कार्य कल्पद्रुम है, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष आपको मालूम है, कल्प वृक्ष क्या होता है, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष माना गया है हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार कि जिसकी छाया में बैठकर आप जो कामना करोगे वो कामना पूर्ण हो जाएगी। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, ऐसी तीन चीजें हैं। कल्प वृक्ष मैंने आपको बताया, ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में बैठकर आप जो भी कामना करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। कामधेनु यानी क्या, कामधेनु यानी ऐसी धेनु, ऐसी गाय जिस जो जिसके घर में रहेगी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चिंतामणि यानी क्या, चिंतामणि यानी एक विशेष प्रकार का मणि, एक ऐसा रत्न जिसको धारण करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको चाहिए चिंतामणि, चिंतामणि चाहिए आपको, धारण कर लो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो आदमी जंगल में अपने जानवर चराने के लिए ले जाता था, रोज जाता था, रोज का क्रम था। तो एक दिन वो किसी जंगल में भटकते हुए गया, वहाँ उसने देखा दोपहर का समय, यही चैत्र मास वैशाख मास गर्मी के दिन, उसने देखा धूप कड़ाके की पड़ रही, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, ऐसे में उसको एक सुंदर वृक्ष दिखाई दिया, बहुत सुंदर वृक्ष, और वृक्ष के नीचे एक चबूतरा था, चबूतरा मालूम है ना, कट्टा, झाड़ा खाली कट्टा, एक चबूतरा था। तो वो अपने जानवरों को खेत में चरने के लिए उसने छोड़ा और वो स्वयं जाकर उस चबूतरे के ऊपर, कट्टे के ऊपर बैठ गया। जैसे ही बैठा उसको लगने लगा कि इतनी सुंदर छाया है, इतना अच्छा वृक्ष है, और अगर ऐसे में थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा। कामना उठी मन के, कामना, जैसे ही उसके मन में कामना उठी थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए, उसके सामने बिस्लेरी की 5 बोतलें ठंडी ठंडी एकदम से प्रकट हो गई, एकदम से 5 बोतलें आ गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसने पानी पिया, पानी पिया, पानी पीने के बाद वृक्ष से टिक के ऐसा बैठ गया, और ठंडा पानी मिला, तृषा शांत हुई। अब उसने विचार किया कि दोपहर का समय है, 12:50 हो रहे हैं और भोजन का समय है, और ऐसे में अगर यहाँ पर गरम गरम भोजन मिल जाए तो क्या बात है। कामना उठी मन, जैसे ही मन में कामना उठी सामने जो है उसके सामने प्रकट हो गया, क्या क्या प्रकट हुआ, भोजन। भोजन में क्या, पूरणपोड़ी, आंब्याचा रस, चित्रान्ना, कडबू, दूध खीर, भजे, त्यातल्या त्यात मिर्ची भजे, ये सारी चीजें जो हैं सामने आ गई। सामने आते ही अब क्या, उसको भूख लगी थी, उसने भोजन किया, भोजन किया। भोजन होने के बाद इतना सब पूरण पोड़ी, आंब्याचा रस, दूध खीर वगैरह खाने के बाद आदमी को क्या हो जाता है, थोड़ा सा सुस्ती आने लगती। अब उसके मन में कामना क्या उठी, अब क्या उठी,
कि थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक हाथ तकिया अगर मिल जाए, एक आधी उसी तकिया है ना, उसी पिलो, एक आधी तकिया अगर मिल जाए तो थोड़ा सा घंटा डेढ़ घंटा आराम से ठंडी छाया में सो सकते हैं। जैसे ही ये कामना उठी, एक बिस्तर वहां तैयार, गादी, लोड, तकिया, चादर, सब फुल बेड तैयार हो गया। कहां पर? कहां? उस वृक्ष के नीचे। जैसे ही वो बिस्तर तैयार, शैया तैयार हो गई, अब क्या था? अब यह आराम से सो गया। 12:40 पे भोजन किया, 50 मिनट में, 10-15 मिनट में भोजन हुआ, उसके बाद 1 बजे वो सो गया। सो गया तो खूब गहरी नींद, अच्छी नींद आई, अच्छी नींद आई। उसके बाद लगभग 4:30 वो उठा, आदमी उठा। अब उठने के बाद क्या? हाँ, क्या उसने कहा? आप नींद अच्छी होगी, अब उठ गया, अब अगर एक कप गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। तो जैसे ही कामना उठी मन के अंदर, चाय, बिस्किट और पकोड़े, ऐसा कामना चाय की उठी, उसके साथ ये चीजें आ गई। अब इसने चाय पी, वो बिस्किट विस्किट खाए, वो सब दिमाग चाय पीने के बाद ना आदमी का फ्रेश हो जाता। उसने सोचा, मैं 11 बजे यहां आया, मैंने पानी की कल्पना की, पानी आ गया, भोजन की कामना की, भोजन आ गया, उसके बाद मैंने शैया की कल्पना की, शैया आ गई, उसके बाद मैंने चाय मांगी, चाय आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वृक्ष के ऊपर कोई भूत रहता हो? जैसे ही उसने भूत की कल्पना की, वो भूत प्रकट हो गया। जैसे ही उसने कहा है झाड़ा भूत तर नसावा, जैसे ही उसने कहा है झाड़ा भूत तर नसावा, भूत आके सामने प्रकट हो। जैसे ही उसने भूत को देखा, इसके मन में क्या विचार आया? अतः हा मला खाई कोण, अतः हा भूत मला खाऊन टाके। जैसे ही ये विचार मन में आया, भूत ने उसको क्या किया? भूत ने उसको। तो कामना जो है वो सर्वनाश की जड़ है। कामना क्या है? सर्वनाश की जड़ है। भगवान ने भी कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक वस्तु की कामना से ये सारी कहानी प्रारंभ होती है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुरुष जो है, मनुष्य जो है, वो किसी वस्तु का ध्यान करता है, केवल वस्तु को प्राप्त नहीं करता अभी, केवल ध्यान करता है उसका, मन में विचार करता है उसके विषय में। तो क्या हो जाता है विचार करने से, उस वस्तु के विषय में विचार करने से? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाती है क्या? उस वस्तु से हमारा मन बन जाता है, उस वस्तु से हमारा मन क्या हो जाता है? बन जाता, आसक्ति उत्पन्न हो जाती। संगात संजायते कामः, जब आसक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर क्या? उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती, काम उत्पन्न हो जाता है। संगात संजायते कामः, और अगर वो काम परिपूर्ण नहीं हुआ, वो कामना पूर्ण नहीं हुई, तो फिर क्या हो जाता है? कामात क्रोधो भी जायते। देखिए, काम क्रोध लोभ, ये तीन क्या है? ये तीन जुड़वा भाई, ये तीन जुड़वे भाई हैं। कामना अगर पूर्ण होती है तो फिर क्या? लोभ हो जाता। कामना अगर पूर्ण हो गई तो लोभ हो जाता, कामना अगर पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आता। ठीक है, अब आपकी कामना क्या है? आपकी कामना क्या है? हे महाराज अंचल होकर संपाव, ये कामना। आपकी कामना क्या?
हे प्रवचन लौकर संपाव ये काम, और मैंने मान लीजिए 2 घंटे बोला तो क्या हो जाएगा आपको? है क्रोध, क्रोध कामात क्रोधो विजायते। और एक बार क्रोध हो गया, एक बार अगर क्रोध हो गया तो फिर क्रोधा भवति सम्मोहा, क्रोध से क्या हो जाता है? मोह उत्पन्न। मोह यानी क्या? मोह यानी अविवेक, मोह यानी अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा गुस्से वाले आदमी को, गुस्से वाले आदमी को देखा हा? उसकी उसको उसको जो है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता, सदसत विवेक बुद्धि जो है उसकी नष्ट हो जाती, उसको मोह कहते। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। और जिसका विवेक नष्ट हो गया उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो क्या हो जाता है? बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। प्रकर्षेण नश्यति अवश्यमेव नश्यति, पूरी तरह से नष्ट होता है, कोई संदेह नहीं है। तो ये कामना जो है ना, वो कामना जो सकाम उपासना में खतरा क्या है मैं आपको बताऊं, सकाम उपासना के साथ कामना जुड़ी हुई है, और वो कामना अगर पूर्ण हुई तो फिर लोभ हो जाता है, वो कामना अगर पूर्ण नहीं हुई तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धिनाश से आदमी मनुष्य जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसी परंपरा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान ने कहा महाशनो महापापमा विध्येनम इह वैरिणम। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान से, भगवान से पूछा अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः। अर्जुन ने पूछा कि किसके कारण मनुष्य पाप करता है, आपकी पाप करने की इच्छा होती क्या? महाराज तुमसे प्रवचन संपल्यानंतर 10 पाप कराओ असं वाटते, वाटते का तुम्हारा पाप कराओ हा? पाप कराओ असं वाटते की वाटत नाही? मग का करता पाप? जर वाटत नहीं तर का करता? अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इच्छा नस्ताना, इच्छा न होते हुए मनुष्य पाप करता, मनुष्य जो है अपनी इच्छा न होते हुए पाप करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई है जो मुझको पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा, कोई है जो मुझको पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही बात दुर्योधन ने कही, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन को सब लोगों ने समझाया देख भाई अच्छी बात नहीं है, तू ये जो पाप कर रहा अच्छा नहीं है, भाइयों का जो हिस्सा उनको दे दे, उनके साथ दुष्टपना क्यों कर रहा, उनको दे दे, तेरा तू रख ले, उनका उनको दे दे, ये धर्म है, यही पुण्य है, यही सन्मार्ग है। ऐसा सब लोगों ने समझा, भीष्म ने समझाया, द्रोण ने समझाया, स्वयं भगवान ने समझाया, स्वयं भगवान ने समझाया, फिर भी वो कहता है जानामि धर्मम। दुर्योधन कोई अनपढ़ गवार नहीं था, दुर्योधन जो है पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था, वो दुर्योधन कोई अनपढ़ नहीं था, अनएजुकेटेड फेलो नहीं था, वो पढ़ा लिखा था, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में उसने अपनी शिक्षा शस्त्र की शास्त्र की शिक्षा पूर्ण की थी, इसलिए वो कहता है जानामि धर्मम किंतु नचमे प्रवृत्ति, धर्म क्या है ये मैं जानता हूं किंतु उस धर्म के मार्ग पर चलने की मेरी इच्छा नहीं। जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, अधर्म क्या है ये भी मैं जानता, मैं जो कर रहा हूं ये अधर्म है ये मुझको मालूम है। जानाम्य अधर्मम नचमे निवृत्ति, किंतु वो अधर्म छोड़ने की इच्छा नहीं होती, पाप को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जानाम्य अधर्मम नचमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदिस्थितेन, मेरे हृदय में बैठा हुआ कोई एक देवता है, कोई एक शक्ति है, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, वो मुझसे जैसा करवाती है मैं वैसा कर।
यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलपूर्वक कोई हमसे पाप करवाता वो कौन है? तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। भगवान ने कहा इस संसार में तुम्हारा अगर कोई शत्रु, आपका कोई शत्रु है? तुमसे कोई शत्रु आएगा नहीं? अड़ोसी पड़ोसी करता टिकरता काका मामा कोणी तरी हा? सासू कोणी तरी शत्रु असा भाई एक शत्रु असा। तो भगवान कहते शत्रु वैरी, वैरी कौन है? काम एष क्रोध एष। भगवान जो है ना वो पूरा बायोडाटा बताते हैं उसका, वो शत्रु का। जैसे वो टेररिस्ट लोग पकड़े जाते हैं, टेररिस्ट। अब वो टेररिस्ट का नाम क्या होता है? अमुक उर्फ अमुक उर्फ अमुक, उसके तीन चार नाम होते, एक नाम नहीं होता, एक नाम नहीं होता उसका। एक जगह एक नाम होता है, एक जगह दूसरा नाम, एक जगह तीसरा नाम। तो भगवान कहते हैं वो जो शत्रु है उसका नाम क्रोध है, काम है। उसका नाम क्या है? काम ऐसा है, उसका नाम काम है, और उसको क्रोध भी कहते हैं। काम ऐसा क्रोध है ऐसा, काम और क्रोध उसका नाम है। उनके बाप का नाम क्या? वल्द, है ना। टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो अमुक उर्फ अमुक उर्फ अमुक, हाँ वल्द, जब बापा से नाम सांग, तो कहां का उसका बाप का नाम क्या? रजोगुण समुद्भव, तो रजोगुण से ये उत्पन्न हुए। कौन? अच्छा वो अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है, वही काम है। कभी उसका रूप क्रोध का हो जाता है, कभी उसका रूप लोभ का हो जाता है। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। और इनका स्वभाव कैसा है, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका चरित्र है? तो महाशनः, महाशनः यानी क्या? बहुत ज्यादा खाने वाला, बहुत ज्यादा खाने वाला। उसको कितना भी खिलाओ, उसको कितना भी खिलाओ, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। महाशनः। और महापाप मा, अत्यंत पापी, ऐसे को विद्धि जानो, क्या जाने? ये हमारा शत्रु है, ऐसा जानो। विध्येनम यह वैरिणम, इस संसार में इस जीवन में हमारा शत्रु अगर कोई है तो वो काम है। उस काम से प्रेरित होकर हम उपासना करते हैं, काम से प्रेरित होकर, काम यानी कामना, काम से प्रेरित होकर हम उपासना करते हैं और अपेक्षा क्या करते हैं कि वो कामना सफल हो। जिसको कैसा है मालूम है क्या? वो कि एक शत्रु है, हमारा शत्रु है, वो शत्रु हमसे कह रहा है कि तुम जाओ मिनिस्टर के पास एप्लीकेशन दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर आपका शत्रु, आपका कोई शत्रु है और वो आपसे कहता है कि तुम अमुक अधिकारी जा असा अर्ज दिया तुमसे काम हो, तुम जाल का विचार करा, क्या विचार करोगे, क्या विचार करोगे आप? ह्याच्या मध्ये काहीतरी ह्याचा दाव आहे, ह्याच्या मध्ये ह्याचा काहीतरी मतलब आहे, बरोबर आहे की नाही? शत्रु काय करतो? शत्रु तुम्हाला सर्वनाशाकडे घेऊन जातो, दुसरं काय? शत्रु क्या करेगा? तुमको सर्वनाश की ओर लेके जाएगा। अब वो कह रहा है कौन? शत्रु क्या बोल रहा है? तुम अमुक अफसर के पास जाओ, अमुक मिनिस्टर के पास जाओ, अमुक के पास जाओ और इस प्रकार से अर्ज दो, इस प्रकार के प्रार्थना पत्र दो, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? वाह वाह है ना, हमारा फार छान सांगितलं म्हणून आपण काय करतो? आपण ते करायला काय अर्ज कोणाकडे? परमेश्वराकडे। कोणी सांगितले अर्ज दे म्हणून? शत्रुनी सांगितले, शत्रुनी सांगितले। त्याचं काय, उसका क्या है, उसका उद्देश क्या है? उसके उद्देश्य को हम पहचानते नहीं, वो शत्रु है। अच्छा ये किसने बताया? देखिए चक्र देखिए, जिसके पास प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा के पास, ईश्वर के पास, जिस परमात्मा के पास, जिस ईश्वर के पास हम प्रार्थना पत्र लेके जा रहे हैं, वो ही हमको बता चुका है क्या? ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा शत्रु है, ऐसा वो परमात्मा बता चुका। उसकी अवहेलना करके हम इसकी बात सुनते हैं, किसकी?
शत्रु की। इसकी बात सुन के प्रार्थना पत्र किसके पास लेके जाते हैं? जिसने बताया कि ये शत्रु है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई है क्या? इससे बड़ी मूर्खता कोई है क्या? इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। किंतु फिर भी जो है ऐसा है कि कामनाओं का भी भगवान ने वर्गीकरण किया है, कामनाओं का भी वर्गीकरण किया है। जैसे कामना यानी क्या? इच्छा। कामना शब्द का अर्थ क्या? इच्छा। किसी भी प्रकार की इच्छा को कामना कहते हैं। अब आपके मन में माणिक नगर आने की इच्छा हो, ये कामना अच्छी है बुरी है? भगवद गीता पढ़ने की इच्छा हुई, कामना अच्छी है बुरी है? हा? मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई, मुमुक्षुत्वम, वो मुमुक्षुत्व आपके अंदर उत्पन्न हो गया, अच्छी है बुरी है कामना? तो ऐसा है कि कामनाएं दो प्रकार की होती, एक कामना बांधने वाली होती, एक कामना बांधने वाली होती है, और दूसरी कामना मुक्त करने वाली होती है। एक कामना क्या होती है? बांधने वाली, दूसरी कामना मुक्त करने वाली। तो यहां पर भगवान जिस कामना की बात कर रहे हैं, शत्रु जिसको बता रहे हैं, वो कौन सी कामना है? वो बांधने वाली कामना है, वो बांधने वाली कामना है जो हमको संसार से बांध देती है, ऐसी कामना है। तो अब जो है, अब हम जो है सकाम उपासना करते हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं। सकाम उपासना करना बुरा है क्या? बुरा है क्या? अगर बुरा होता तो शास्त्र में उसका विधान है, शास्त्र के अंदर उसका विधान है। तो शास्त्र किसी बुरी बात की इजाजत देता है क्या? नहीं देता। तो उसका अर्थ ऐसा है कि सकाम उपासना जो है शास्त्र में विहित है, और वो इसलिए विहित है क्योंकि हमारे पुरुषार्थ जो हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, और इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। उसमें अर्थ और काम भी आता है, अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ। अर्थ यानी क्या? पैसा, क्या कमाना या गवाना? कमाना, अर्थ शब्द का अर्थ है पैसा कमाना, और काम शब्द क्या है? उस पैसे से अपने सुख भोग के साधनों को जुटाना, ठीक है। अर्थ का अर्थ है पैसा, धन, उस धन से अपने सुख के लिए साधनों को जुटाना, उसका नाम काम है, ठीक है। अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थ हैं। उसके बाद दूसरे कौन से? धर्म और मोक्ष है, धर्म और मोक्ष। क्रम शास्त्र ने ऐसा रखा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसा रखा। वास्तव में पहला पुरुषार्थ अर्थ है। पहला पुरुषार्थ कौन सा? अर्थ। पहले क्या? पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद उस पैसे से मजा करो, उस पैसे से मजा करो, वो क्या हुआ? काम हुआ। उसके बाद धर्म, उसके बाद मोक्ष। तो शास्त्र ने जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये क्रम रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि अर्थ और काम जो है वो धर्म और मोक्ष की मर्यादा के अंतर्गत होना चाहिए। वो इतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए कि धर्म से बड़ा हो गया अर्थ या मोक्ष से बड़ा हो गया काम, ऐसा नहीं। इधर क्या है? इधर मोक्ष है। इधर क्या है? इधर धर्म है। उन दोनों के बीच में, इन दोनों की मर्यादाओं के अंदर अर्थ और काम होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूं ये बात आपको। वड़ा पाव खाया क्या कभी? नहीं खा ले सर, तो हो मना, नहीं तो नहीं मना। वड़ा पाव खा ले कि नहीं? कसा हस्त हो तो क्या रहता है, कैसा रहता है वो कैसा रहता है वड़ा पाव, कैसा रहता है? दो पाव, उसके बीच में, ठीक है। अब वो वड़ा अगर इतना बड़ा हो गया, वड़ा क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया, और पाव इतने इतने हो गए, तो क्या हो जाएगा? वो वड़ा पाव नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा, बड़ा पाव नहीं होगा। बड़ा पाव के लिए क्या है कि पाव बड़ा होना चाहिए, बड़ा जो है छोटा होना चाहिए, और वो ऐसे दबा, ऐसा दाबाव लगते चला हालत की नहीं, चला आते दोन पाव घेता तो त्या मध्ये वड़ा ठेवतात आणि त्याला असं दाबतात, दाबल्यानंतर ते खाल्ल्यानंतर ते चांगला लागतंय म्हणे। तो अर्थ और काम ये वड़ा है, धर्म और मोक्ष पाव है, वो असं दाबाव लागतं। धर्म और मोक्ष ऐसे
उसको उसको मर्यादित करें किसको, अर्थ और काम। तो शास्त्र ने धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ बताए हैं। इसलिए जो है काम एक पुरुषार्थ है, कामना को पूर्ण करना ये एक पुरुषार्थ है। इसलिए जो है कामना को पूर्ण करना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, किंतु वो कामना जो है धर्म और मोक्ष के अंतर्गत आनी चाहिए, वो कामना धार्मिक होनी चाहिए, वो कामना मोक्ष की सिद्धि में सहायभूत होनी चाहिए। हमारी जो कामना है वो कैसी होनी चाहिए कि मोक्ष की सिद्धि में उसकी सहायता हो और धर्म के अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो। और इसीलिए भगवान ने कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत ऋषभ। भगवान ने कहा कि मैं काम हूं, मेरा स्वरूप क्या है तो काम है, ऐसा कहा। और वो काम कैसा, धर्म से अविरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध, ऐसा धर्म से अविरुद्ध यानी धर्म के अनुकूल ऐसा जो काम है वो मेरा स्वरूप है। तो कामना क्या है, कामना भी परमात्मा का एक स्वरूप ही है, इसको समझिए आप। कामना जो है वो परमात्मा का रूप है। परमात्मा का रूप क्यों है, क्यों है, सोचा कभी आपने कि कामना परमात्मा का रूप क्यों है? परमात्मा का रूप इसलिए है क्योंकि कामना जो है वो बिना चैतन्य के उत्पन्न नहीं हो सकती। कामना चैतन्य के बिना उत्पन्न हो सकती है क्या? एक मुर्दा, मुर्दा ठीक है, एक आदमी मर गया मुर्दा, अब वो मुर्दा ऐसी कामना कर सकता है क्या, ये लोग जो है गुलाब के फूल मुझे पहना रहे हैं, मोगरा के फूल झाले हंसते तो भर झाले हंसता, ऐसा बोलता है क्या वो? हाँ, वो अगरबत्ती लगा रहे, कोई एक अगरबत्ती उसके सिराने में, इतनी अगरबत्तियां लगाते, अगरबत्ती लगा के रहे, ये अगरबत्ती फार ज्यादा रहे, थोड़ा बाजूला सर कौन थोड़ा सा एक कौन से थोड़ी दूसरा सेंट वगैरह मार लेता भरो होते, ऐसा ऐसा वो बोलता है क्या? कौन? मुर्दा। उसके मन में कामना उठती है क्या? क्यों नहीं उठती? चैतन्य का अभाव है, चैतन्य का अभाव होने से उसके मन में कामना, आपके मन में कामना उठती क्या? अतः हे लोकर संपाओ, ये कामना उठती क्या नहीं आपके मन में? क्यों उठती? चैतन्य। चैतन्य यानी क्या? चैतन्य यानी क्या? चैतन्य यानी परमात्मा, साक्षात परमात्मा का रूप, चित स्वरूप ऐसा परमात्मा। चैतन्य यानी क्या? चित स्वरूप ऐसा परमात्मा। उस परमात्मा के कारण कामना उठती है, वो है इसलिए कामना उठती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कामना भी उस परमात्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं हो सकती। चैतन्य, चैतन्य के अलावा, चैतन्य के अभाव में कामना नहीं हो सकती। तो चैतन्य है इसलिए वहां पर कामना है। तो कामना जो है वो चैतन्य का स्वभाव हुआ, और स्वभाव होने के कारण जो है वो उसका स्वरूप हुआ, ठीक है। तो वो कामना जो है हमारे मन में उठती है, और इसलिए हम उस कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, पारायण करते हैं, होम करते हैं, हवन करते हैं, नाना प्रकार के उपाय हम करते हैं, मगर वो सारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, वो सारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। अब प्रश्न हमारा यह है वो क्यों नहीं होती, प्रश्न हमारा यह है कि वो क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है क्या नहीं है? आपकी हर कामना को पूर्ण करने में समर्थ है क्या नहीं? परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और वेदांत का नियम ऐसा है कि जो सर्वशक्तिमान होता है वो सर्वज्ञ भी होता है। जो क्या सर्वशक्तिमान होता है वो सर्वज्ञ भी होता है। सर्वशक्तिमान यानी क्या? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसी जिसके पास शक्ति है वो सर्वशक्तिमान है। और सर्वज्ञ यानी क्या? सर्वज्ञ माने क्या? सर्वज्ञ यानी क्या? हाँ, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ में क्या क्या आता है? भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों को जानने वाला जो है, हाँ, न केवल एक वस्तु, सारे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उन सब के भूत को, भविष्य को, वर्तमान को जानने वाला जो है वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ। अब
जो सर्वज्ञ होता है, जो सर्वज्ञ होता है वो आपके हित को जानता है कि नहीं, आपका हित किसमें है, आपका कल्याण किसमें है, इसको जानता है कि नहीं जानता हा? अब चूंकि वो आपके हित को जानता है, वो आपके कल्याण को जानता है, आपका मंगल कैसे हो इस बात को जानता है, इसलिए आपकी कोई कामना अगर ऐसी हो जो आपके हित में आपके कल्याण में बाधक बन रही हो, तो वो परमात्मा अत्यंत करुणामय होने के कारण आपकी उस कामना को वहां रोक देता है। समझ में आई बात? बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हाँ, अब ये धूप के दिन है हाँ, अब क्या बोलते हैं कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, क्या खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। और आइसक्रीम खाने, कल परीक्षा है, कल क्या है, परीक्षा है, ये पोट्टा अगर आइसक्रीम खाएगा और आइसक्रीम खाने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको बुखार आ गया, तो परीक्षा कौन, इसका बाप लिखेगा क्या, परीक्षा कौन लिखेगा हाँ? तो उस समय वो माता जो है वो उसको आइसक्रीम खाने देती है क्या, उसकी कामना पूर्ण करती है क्या, नहीं, उसकी कामना को कदापि पूर्ण नहीं करती। वो बच्चा कहता है चॉकलेट खाऊंगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते, वो माँ खाने देगी क्या हाँ? मामूली माता, मनुष्य शरीर वाली मामूली माता जो है वो इतनी चिंता करती है अपने शिशु के विषय में, अपने पुत्र के विषय में, अपनी कन्या के विषय में। तो परम कारुणिक ऐसा वो परमात्मा है, वो आपकी कितनी चिंता करता होगा, आपकी इच्छा क्या है, बहुत सारा धन मिले है क्या नहीं है, हो ना लादा ऐसे क्या है हा? बहुत सारा धन, खूब पैसा, खूब पैसा, खूब पैसा, अब वो धन मिले ये इच्छा है, मैं मिलता नहीं, रोज श्री सूक्त का जप करो, रोज क्या, हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतस्यजाम, चल रहा जप, कितना भी जप करो पैसा नहीं मिले, पैसा नहीं, क्यों, अच्छा कुछ लोगों को मिल रहा, बाजू वाला भी वही कर रहा, हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतस्यजाम, वो श्री सूक्त कर रहा, उसको पैसा मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा। तो या तो वो मंत्र में गड़बड़ है, या फल देने वाले परमात्मा में गड़बड़ है, या जप करने वाले साधक में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना भाई, क्यों वहां हो रहा है, यहां क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसा है कि परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण उसको मालूम है क्या, ह्याला पैसे दिले तो हा उद्यापासून दारू प्यायला शुरू करेल, ह्याला पैसे दिले तर काय करतो उद्यापासून हा जाऊन दारू प्यायला, इसलिए इसका कल्याण किसमें है हा? इसको ऐसे ही रखने में कल्याण है, कम से कम भजन करेगा रोज, हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजतस्यजाम, कम से कम वो प्रार्थना करेगा, पुण्य का कार्य करेगा, इतने में ही इसको रखना ठीक है। इसको दे दिया मैंने, इसको अगर मैंने दे दिया तो फिर क्या करेगा ये, कि दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तब वो करेगा, और क्या, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर इसका नाश हो जाएगा। कोई भी माता, कोई भी पिता अपने पुत्र, अपने संतान का नाश होना पसंद करता है क्या? तुम्हारा असं वाटतं काय, तुमच्या मुलाचं सत्यानाश व्हावा असं वाटतं काय? किसी माता पिता को नहीं लगता। तो परमात्मा को आपका नाश होना मंजूर है क्या? नहीं। तो वो क्या करता है, आपको इच्छा क्या, आपकी इच्छा क्या, क्यों कार चाहिए, कार आपकी इच्छा, रोज प्रार्थना कर रहे, रोज प्रदक्षिणा, प्रभु मलाय कार पाहिजे, प्रभु मलाय कार पाहिजे, प्रदक्षिणावर प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणावर प्रदक्षिणा, कार 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 कार, उसको मालूम है, हेला कार दिली, हा जाऊन धड म्हणून झाडाला मारतो, किंवा एका दुसऱ्यालाच मारून टाकतो हा, रोडवर जाऊन एकाला ठोकतो आणि स्वतः जेलमध्ये जातो, त्याच्यापेक्षा काय, इसको 11 नंबर की बस ही ठीक है, इसको कार देने से फायदा नहीं, ठीक है। तो परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ होने के कारण आपका हित किसमें है, आपका कल्याण किसमें है,
इस बात को वो पूर्णतः जानता है और तदनुसार वो आपकी उपासना का फल निर्धारित करता है। शास्त्र में कहा गया, लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयो। ऐसा है कि लालन में और ताड़न में, ताड़न यानी क्या, ताड़न यानी मारना, लालन यानी लाड़ करना, लालन यानी लाड़ करना और ताड़न यानी मारना। लालने ताड़ने मातुः, माँ जो होती है उसकी लालन में ताड़न में कहीं भी दोनों अवस्थाओं में अकृपा नहीं होती। अकृपा, अकृपा यानी क्या, कृपा का उल्टा, कृपा का विलोम, अकृपा अवकृपा। तो लालन में ताड़न में माता चाहे मारे चाहे लाड़, दोनों अवस्थाओं में उसकी अवकृपा नहीं होती। किसके प्रति, यथार्भके, शिशु जो है, बच्चा जो है उसके प्रति लालन में ताड़न में माता की कहीं भी कोई अकृपा नहीं होती, कृपा ही होती है। उसी तरह से तद्वदेव ही, उसी तरह से तद्वद, उसी तरह से महेशस्य, परमात्मा का गुण भी माता के समान है। परमात्मा जो है उसका गुण कैसा है, माता के समान है, माता के समान है। उसके लालन में ताड़न में जो है कहीं भी कहीं कोई अकृपा नहीं होती, अकृपा नहीं। देखिए कि माँ या बाप वो अपने बच्चे को मारता मारता किसी कारण से, तो मारता है तो उस मारने में अकृपा है क्या, अवकृपा है क्या, वो बाप की दुश्मनी है क्या बच्चे से, हाँ माँ की दुश्मनी है क्या बच्चे, शत्रुत्व है क्या, रागद्वेष है क्या? वहां रागद्वेष नहीं, वहां क्या है, वहां करुणा है, वहां क्या है, करुणा है। और करुणा क्या है, इसका कल्याण हो, इसका अच्छा हो, इसलिए मारती। और लाड़ भी करती है, प्रेम भी करती है, तो किस लिए करती है, कोई उद्देश्य है क्या? माता के मन में कोई ऐसा उद्देश्य होता है क्या कि इसको लाड़ करने से मुझको अमुक लाभ होगा, ऐसा होता क्या, नहीं होता। फिर भी वो अहेतु की ऐसा प्रेम करती है, बिना किसी हेतु के प्रेम करती है। तो परमात्मा भी जो है उसी तरह से जब हमारे कर्मों के फल, उपासना का फल हमको प्रदान करता है, तो उस समय जो है चाहे वो मारे चाहे वो लाड़ करे, उसका भाव जो है वो कल्याण का ही होता है। और कर्मयोग का सबसे मुख्य सिद्धांत ऐसा है कि अपने कर्मों का जो भी, जैसा भी, जितना भी, जब भी फल मिले, उस फल को परमात्मा के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपकी सकाम उपासना चाहे फलीभूत हो चाहे निष्फल हो, उसका जो भी फल है वो फल जब भी मिले, जितना भी मिले, जैसा भी मिले, उसको जो है प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कर्मयोग का रहस्य है, फल के प्रति अपना आग्रह हमने रख दिया तो वो कर्मयोग का अतिक्रमण हो गया। फल के प्रति अगर हमने अपना आग्रह रखा तो वो अतिक्रमण हो जाता है। किसका, कर्मयोग के सिद्धांत का। समझ में आई बात आपको? तो इसलिए जब आप प्रार्थना करें, किसी वस्तु को प्रभु से मांगे, तो प्रभु महाराज ने दिया तो समझ लीजिए आपकी लाटरी लग गई, बहुत अच्छा हुआ। अगर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इससे जो डेंजर होने वाला था, इससे जो खतरा उत्पन्न होने वाला था, उसको वो जानता है, प्रभु जानता है, और इसलिए उसने मुझे इस खतरे से बचा लिया, इस खतरे से। और ये जो समस्या है ना कि हमारी प्रार्थना सफल क्यों नहीं होती, हमारी प्रार्थना सफल क्यों, ये आज का प्रश्न नहीं, आज का प्रश्न है। 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने पूछा भगवान से, क्या कहा, अयति श्रद्धयो पेतो
योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। अगर मेरी साधना असफल हो गई, वो ध्यान के संदर्भ में है, किंतु उसका मोटा मोटा अर्थ ऐसा है कि अगर मेरी प्रार्थना, मेरा ध्यान, मेरा योग जो है अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कागतिम कृष्ण गच्छति, ऐसा प्रश्न पूछा छठे अध्याय में। किसने पूछा? अर्जुन से पूछा, मेरी गति क्या होगी, मैं योग कर रहा हूँ। देखो ऐसा है कि भगवान ने उस छठे अध्याय में अर्जुन को क्या समझाया कि तुम ध्यान करो, ध्यान योग सिखाया, ठीक है। और ध्यान योग करते समय क्या है, ये संसार है, ये अनात्मा है, इस सब को छोड़ दो और केवल मेरा चिंतन करो, ऐसा कहा। अर्जुन ने कहा कि भगवान ऐसा है कि संसार को तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, अनात्मा है, वो जो है नश्वर है, मिथ्या है, वगैरह है, अमुक है, तमुक है, उसको छोड़ दिया, आपका ध्यान करना शुरू किया। आपका ध्यान करना वो अगर सफल नहीं हुआ, आपका ध्यान वो साधना इस जन्म में अगर पूर्ण नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे, हाँ संसार के तेले गए ना तू पे गए, हाँ क्या हुआ, संसार, कम से कम संसार तो मेरे साथ था, तुम्हारे कहने से मैंने संसार छोड़ दिया, हाँ और तुम्हारे पीछे आया, अब तुम भी नहीं मिले, संसार भी नहीं मिला, तुम भी नहीं मिले, अब मेरी हालत क्या हो जाएगी। ऐसा मार्मिक प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने जो उत्तर दिया है 40वें श्लोक में वो बड़ा मार्मिक है। भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसा उत्तर दिया। मतलब क्या, मतलब ये, हे पार्थ, हे अर्जुन, यहां पर इस लोक में अथवा अमूत्र, अमूत्र उस लोक में जो उपासना तुमने की, जो भजन तुमने किया, जो जप तुमने किया, जो साधना तुमने की, जो ध्यान तुमने किया, उसका विनाश नहीं होता, न यहां विनाश होता है न वहां विनाश होता है। यहां यानी कहां, इस लोक में, यह अमूत्र यानी उस लोक में, परलोक में, उसका विनाश यहां नहीं होता। तुमने जो साधना की, जो जप किया, जो तप किया, जो कुछ भी तुमने किया, वो नष्ट नहीं हो। और क्या, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिंतात गच्छति, और जो भी शुभ कर्म तुमने किया, जो भी कल्याणकारी कर्म तुमने किया, ऐसा करने वाले को कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं हुई, कभी भी उसको दुर्गति प्राप्त, ये गारंटी दे रहे भगवान कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसको दुर्गति प्राप्त नहीं होती। तो अब क्या हुआ, तो अब जो है हमारा मूल मुद्दा जो है, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो उपासना करते हैं, हम जो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं, जो योग करते हैं, वो अगर जितना भी हमने किया इस जन्म में, इस जन्म में जितना भी किया वो नष्ट नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। आप मान लीजिए आपने आज क्या, आज आपने 1000 जप किया और आपकी अपेक्षा क्या है, कल सुबह आपको फल प्राप्त, ऐसी अपेक्षा है, फल प्राप्त नहीं हुआ जाने दो, मगर वो जो 1000 की सहस्र संख्या का जो जप आपने किया है वो नष्ट नहीं होता, वो आपके खाते के अंदर रहता है, वो खाते के अंदर रहता है। और इसका जो पुण्य है, देखिए किसी भी कर्म का, किसी भी कर्म का दो प्रकार का लाभ होता है या दो प्रकार की हानि होती है। दो प्रकार के लाभ क्या, तो एक तो उसका मुख्य फल, किसी कर्म का मुख्य फल, जैसे आपको क्या, आपको विवाह करना है, आपको विवाह करना, अमुक कन्या से विवाह करना है, तो इसलिए आप क्या, आप प्रभु महाराज की प्रदक्षिणा कर, प्रभु महाराज की प्रदक्षिणा है, प्रभु त्या मुनि ऋषि माधव लग्न भाव, त्या मुनि ऋषि माधव लग्न, त्या मुनि ऋषि माधव लग्न भाव, त्या मुनि ऋषि माधव लग्न भाव, फिर रहे फिर रहे फिर रहे प्रदक्षिणा, 1000 प्रदक्षिणा, ठीक है।
अब मान लीजिए प्रभु प्रसन्न हो गए, मान लीजिए प्रभु प्रसन्न, तो क्या तथास्तु, फिर क्या शुभम भवतु सावधान, आपका विवाह हो गया, विवाह हो गया। मुख्य फल क्या प्राप्त हुआ आपके कर्म का, आपकी साधना का, आपकी उपासना का, मुख्य फल क्या प्राप्त हुआ? हाँ, विवाह हो गया। और उसके अलावा अवांतर फल क्या मिला? एक पुण्य, दूसरा एक्सरसाइज। क्या पुण्य? प्रभु महाराज को प्रदक्षिणा करना, ये क्या है? ये पुण्य का कार्य है, पुण्य प्राप्त हो गया। दूसरा क्या हुआ? एक्सरसाइज हुआ, 6 महीने तक 1000 प्रदक्षिणा, कैलोरीज बर्न हो गई, डायबिटीज कम हो गया, शुगर कम हो गया, वेट कम हो गया, तुष्ट तंदुरुस्त दिख रहे, शादी में अच्छे दिखाई दे रहे, हुआ क्या नहीं? तो 3 लाभ हुए। मुख्य फल जो है, जो आपकी कामना थी अमुक कन्या से विवाह हो, वो हो गया, वो काम हो गया। उसके अलावा अवान्तर फल प्राप्त हो। अब मान लीजिए आपने कामना की, क्या अमुक कन्या से मेरा विवाह हो, अमुक कन्या से या अमुक वर से मेरा विवाह हो, ऐसी कामना की, और कामना करके घूम रहे प्रभु को प्रदक्षिणा डाल रहे डाल रहे, है प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा। प्रभु महाराज सर्वज्ञ है, उनको मालूम है क्या है? क्या या पोरिशी है ना लग्न केला तर हेच वाटोड़ा होते है, ते बाई हेला सुधरू देत नहीं, हेला नेहून विकून येती, किसको मालूम है? तो प्रभु ने क्या कर दिया? आपकी फाइल रिजेक्टेड। क्या हुआ? रिजेक्ट। अब रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने के बाद क्या, वो कन्या तो मिली नहीं, वो फेल हो गया, मगर प्रभु को प्रदक्षिणा करने का जो पुण्य है वो तो मिला क्या? नहीं, प्रभु को प्रदक्षिणा करने का जो पुण्य है वो तो मिला क्या? नहीं। उसके अलावा एक्सरसाइज का फल प्राप्त हुआ क्या? नहीं। हाँ, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कोई भी शुभ कर्म, कोई भी कल्याणकारी कर्म, कोई भी साधना, कोई भी उपासना निष्फल नहीं होती, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। वो जो आपकी कामना के अनुसार आपके मन के मुताबिक फल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ये प्रश्न अलग, किंतु उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और इसीलिए भगवान करते कहते हैं कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आगे भगवान ने कहा कि वो जो है अच्छे लोगों के घर में पैदा होता है, श्रीमंतों के घर में उत्पन्न होता है, साधुओं के घर में उत्पन्न होता है, और फिर आगे भगवान ने विस्तार से बहुत कुछ आगे बताया है, किंतु यहाँ हमारा विषय इतना है कि नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसलिए जो है जब भी हम कोई उपासना करें, कोई साधना करें, अच्छा यह है कि निष्काम करें। निष्काम क्यों करें? क्योंकि हमारी चिंता उसको है, हमको कह के बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है। अगर हमने बताया क्या मुझे कार चाहिए, इसका मतलब क्या? उसको परमात्मा को यह मालूम नहीं है कि तुमको कार चाहिए। उसको परमात्मा को आप क्या समझ रहे हैं कि परमात्मा को मालूम नहीं है कि तुमको कार चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी सर्वज्ञता के ऊपर तुम उंगली रख रहे हो, उसकी सर्वज्ञता के ऊपर तुम क्या कर रहे हो? उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुला माहितच नहीं मला कार पाहिजे म्हणायचं? तुला माहितच नहीं कोणाला? देवाला। ठीक है, तो क्या उसकी सर्वज्ञता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया? तो इसलिए अच्छा यह है कि हम जो है निष्काम उपासना करें, मगर सकाम उपासना करना बुरा नहीं है। सकाम उपासना करना निषिद्ध नहीं है, सकाम उपासना करना पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे की माँ को मालूम है कि उसको भूख लगी, बच्चे के माँ को मालूम है कि उसको भूख लगी, फिर भी बच्चा रोता है क्या? नहीं, बच्चा रोता है क्या? नहीं। रोने से क्या हो जाता है कि माँ जो है अगर 5 मिनट में भोजन खिलाने वाली होगी तो 3 मिनट में खिला दे, ये इतना फायदा उसका। रोने से क्या होता है? रोने से यह है, माँ 5 मिनट में अगर खिलाएगी तो रोने से 3 मिनट, और ज्यादा जोर से 2 मिनट, और ज्यादा 1 मिनट। तो मांगना जो है विहित है, वो कोई बुरा नहीं, मांगना कोई बुरा नहीं है, कामना कर सकते हैं। अब वो कामना के साथ जब उपासना करते हैं तो ये भाव अवश्य होना चाहिए कि वो सर्वज्ञ है, उसको मालूम है।
मेरी इस कामना को पूर्ण करने का परिणाम क्या होगा, इसको वो परमात्मा, वो प्रभु जो है भली भांति जानता है, और वो मेरा कभी भी अकल्याण नहीं करेगा, वो मेरा कभी भी अमंगल नहीं करेगा, वो मेरा कभी भी अशुभ नहीं कर सकता। इसलिए क्या, इसलिए यदि उसको योग्य लगा, यदि उसको योग्य लगा कि मेरी ये कामना पूर्ण होना ठीक है तो वो पूर्ण करेगा, नहीं है तो फिर भी उसमें अकारुण्य नहीं है, कहीं है, कहीं भी अकारुण्य नहीं है, करुणा ही है। वो जो है लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्भके, ऐसा जो कहा गया है उस तरह से कहीं भी परमात्मा की अकरुणा दृष्टिगोचर नहीं होती, करुणा ही दृष्टिगोचर होती है, कृपा ही दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये कि मैं जो करता हूं, मैं जो उपासना करता हूं, मैं जो साधना करता हूं, मैं जो प्रार्थना करता हूं, वो नष्ट नहीं होती। ध्यान में रखिए आप, नष्ट नहीं होती। बैंक में अगर आपने 2 रुपए भी जमा किए तो वो 2 रुपए बैंक के अंदर, बैंक वाले ऐसा है सड़पल 2 रुपए ऐसा का ही शो ऐसा बोलते क्या, 2 रुपए 36 पैसे जमा किए तो 2 रुपए 36 पैसे जमा होते। बैंक में जैसे वो सेफ होता है, उस तरह से आपकी साधना जो है वो सेफ रहती है, वो कहीं नष्ट नहीं होती, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और जो भी पुण्य कर्म आप करते हैं, जो भी प्रार्थना, क्योंकि परमात्मा की प्रार्थना करना ये अपने आप में पुण्य कर्म है, अपने आप में एक पुण्य कर्म है, और उस पुण्य का जो फल है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपकी मुख्य कामना अगर सफल नहीं हुई कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मुख्य कामना प्रारब्धवशात अगर सफल नहीं हुई तो ठीक है, जाने दीजिए, मगर जो शुभ कर्म आपने किया, जो उपासना आपने की, उसका जो पुण्य है वो पुण्य अवश्य प्राप्त होता है, है? तो इसलिए जो है आप जब भी प्रार्थना करें तो प्रार्थना करने से पहले आप मन में ये भाव रखें कि प्रभु ये जो मेरी कामना है ये पूर्ण हो, ऐसी मेरी इच्छा है, तथापि ये योग्य है या अयोग्य है इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला प्रभु महाराज करेंगे। ये भाव जो है आपके हृदय में जागृत हो, इसलिए जो है इस विषय पे हमने आज यहाँ तक विचार किया। आप सबका कल्याण हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो, आपकी कामनाएं पूर्ण हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।